रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तमाम दलों ने मोइत्रा की जमकर आलोचना की। वहीं कई सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मामले पर कार्रवाई कर उन्हें निलंबित करने की मांग की है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद पर रिश्वत लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। एक बार फिर निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद के सदस्य लॉगिन आईडी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि जब महुआ मोइत्रा भारत में थी तो उनका लॉगिन आईडी दुबई से इस्तेमाल किया जा रहा था। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने जांच एजेंसियों को ये जानकारी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मोइत्रा पर हमला करते हुए उन्होंने लिखा, एक सांसद ने चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया है। हैरत की बात तो तब है जब वे भारत में थी तो उनकी सांसदीय आईडी दुबई से लॉगिन की गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री, वित्त विभाग और केंद्रीय एजेंसियों सहित पूरी भारत सरकार इस एनआईसी का प्रयोग करती है। दुबे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष को अभी भी राजनीति करनी है, लोग निर्णय लेंगे। हालांकि उन्हें सीधे तौर पर मोइत्रा का नाम लेते हुए पोस्ट में वे बचते दिखाई दिए। मोइत्रा ने शुक्रवार को कहा, मैं सीबीआई और एथिक्स कमेटी को सवालों के जवाब देने का स्वागत करती हूं। अगर वे मुझे बुलाते हैं, मेरे पास अदानी द्वारा निर्देशित मीडिया सर्कस ट्रायल को बढ़ावा दे रहा है या भाजपा का ट्रोल का जवाब देने के लिए ना तो समय है और ना ही रुचि है। मैं नादिया में दुर्गा पूजा का आनंद ले रहा हूं। लोकसभा की आचार समिति दुबे की शिकायत पर गौर कर रही है और उसे मौखिक साक्ष्य दर्ज करने के लिए 26 अक्टूबर को उपस्थित होने के लिए कहा है। समिति को सौंपे गए एक हस्ताक्षरित हलफनामे में हीरा नंदानी ने स्वीकार किया कि राज्य के स्वामित्व वाली दिग्गज कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा ओडिशा में गुजरात स्थित समूह की धामरा एलएनजी आयात सुविधा में क्षमता बुक करने के बाद अदानी पर निशाना साधने के लिए मोइत्रा के संसदीय लॉगिन का उपयोग किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।